पार्किंग में खड़ी करी है, क्योंकि यहाँ पर जो हाउस बोट है उसकी पार्किंग आपको यहाँ प्राइवेट पार्किंग में लगानी पड़ती है गाड़ी, तो वहीं जा रहे हैं अपनी थार लेके आते हैं। इधर थार खड़ी है, क्या बढ़िया लग रहा है। लाल चौक पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों थर्ड टाइम हम पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, टॉप ऑफ तो नहीं, फुल 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 कर दो, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। तो दोस्तों पहुंचे हम कहाँ, सोनमर्ग कह रहा हूँ, गुलमर्ग पहुंच गए। तो भाई लोग कुछ बहुत सारे लोकल्स मिल रहे हैं कि भैया रुक जाओ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब। नया दिन, नए दिन की शुरुआत महादेव के नाम के साथ। तो आज भाई थोड़े से फ्रेश लग रहे हैं, क्योंकि आज नहाया हूँ दो दिन बाद। भाई बड़ी हिम्मत करके नहाना पड़ गया। एक तो यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, पहलगाम में बर्फ है, स्नो है, माइनस में टेम्परेचर, भाई इतनी ठंड नहीं लग रही थी। यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल है, स्नो वनो कहीं नहीं है, बट ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। मतलब पैरों से ऐसे लग रहा है ठंड ऊपर चढ़ रही है, क्योंकि पूरे चारों तरफ पानी पानी है। और आपको बता दूँ, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो अभी हम हैं कहाँ, श्रीनगर में डल लेक। और इधर भाई हालत टाइट हो रही है बंदे की, ये देखो ऐसा लग रहा था कि फुल पैक होके ऐसे ठंड जा रही है, माइनस टेम्परेचर लग रहा है, माइनस में लग रहा है। वहां नहीं लगा जितना मजा आया खेलने का बर्फ। बाकी अभी मैं आपको दिखा दूं अपने रूम से व्यू थोड़ा सा, अभी व्यू का कुछ नहीं दिख रहा, बस ये थोड़ा बाहर का भी नजारा देख लो डल लेक का। अभी आपको बाहर जाके आपको दिखाता हूँ सारा। बाकी हमारा स्टे था हाउस बोट न्यू एंजिला, जो एकदम गेट नंबर 9 के एकदम सामने ही है, अंदर डल लेक में एकदम अपोजिट रोड पे ही। तो बहुत ही अच्छा मैं रहा सफ़र, मतलब सफ़र कह रहा हूँ यार, स्टे काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया। अब यहाँ से अलविदा कहने का टाइम हमारा आ गया है, क्योंकि भाई हम तो क्या है, एक दिन के राही हैं, राही बोलते हैं, राही बोलेंगे, एक दिन के राही हैं। जहाँ जाते हैं एक दिन का डेरा लगाते हैं, रात को सोते हैं, सामान पैक करते हैं, और फिर अगले सफर पे निकल जाते हैं, अगले मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। तो आज का जो हमारा एक्सटेंशन है, हमने तो कल का से सोचा था कि हम कल पहलगाम सीधा गुलमर्ग करेंगे, बट थोड़ी सी कंडीशन और रोड की, वेदर की, उसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। बाकी तो मैं कहता हूँ हमेशा कि करने वाला, चाहने वाले हम हैं, करने वाला ऊपर वाला है, ठीक है। तो हम जो चाहते हैं वो हमेशा नहीं हो पाता है पूरा। एनीवेज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो डल लेक भी मैंने सोचा कि इस बार मैं डल लेक या श्रीनगर की तरफ नहीं आऊँगा, बट क्या है ना, देखो जो होता है वो मंजूर खुदा होता है जो होता है मंजूर खुदा होता है, पहुँच ही गए, ठीक है। एनीवेज अभी आज है सबको मेरी और सचिन की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को, हमारे 26 गणतंत्र, क्या बोलो, गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, हिंदी में क्या बोलना है, अरे कहना क्या चाहते हो। आज है 26 जनवरी, और आज हम हैं कहाँ, श्रीनगर में, और यहीं से सिर्फ श्रीनगर डल लेक के पास से 2-2.5 किलोमीटर है लाल चौक। तो अभी पॉसिबल हुआ तो लाल चौक होते हुए वहाँ पे एक सैल्यूट देंगे सबने भारत के जवानों को, और वहाँ से भी निकल जाएंगे अपने आगे लाल गुलमर्ग के लिए, ठीक है दोस्तों। भी पूरा बंद है जैसे दिल्ली बंद होती है अभी श्रीनगर, अभी हम बाहर निकल के दिख रहा था, तो पूरा अभी श्रीनगर जैसे वो परेड वगैरह टाइम होता है, तो अभी इस टाइम सारा मार्केट वगैरह सब कुछ बंद है, तो वो दोपहर के बाद सब ओपन होंगी, ठीक है। अभी तो हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के थोड़ा शॉर्ट वर्ट लेते हैं, ऊपर जाके थोड़ा सा ड्रोन वन उड़ाने की अगर परमिशन मिल जाती है, अगर नोटिफिकेशन आ जाती है तो न्यू फ्लाई करूंगा, अगर नहीं आती है तो सिर्फ ऊपर ज़्यादा हाइट पर नहीं, थोड़ा सा फ्लाई करके बस, ठीक है। चलो अब रेडी है बिल्कुल, फिट फाट चलो निकले फिर। सो दोस्तों अभी क्या बता, जैसे मैंने आपको बताया था हम हाउस बोट में, हाउस बोट न्यू एंजिला, और ये पूरा हाउस बोट है, और ये ओनर है मिस्टर अली, और ये इनके बेटे हैं मिस्टर आरिफ। तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको डायरेक्ट बुकिंग करनी है तो आप डायरेक्ट बुकिंग कर लेना, प्लस मेरा नाम ले लेना, तो आपको आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, पहले प्लस जो हॉस्पिटलिटी है यहाँ की एक नंबर है, पूरा आपको घर वाली फीलिंग आएगी, काफ़ी अच्छा मतलब बढ़िया बना हुआ है अंदर, पूरा हेरिटेज बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। सबसे बड़ी बात है आपको एकदम मार्केट के सामने है, आप यहाँ बैठोगे, ये बैठने सीटिंग है बाहर, ये देखो दोनों साइड सीटिंग है, यहाँ बैठ के आप पूरा इन्जॉय कर सकते हो, पूरा वैली का व्यू ले सकते हो। ऐसे हाउस बोट तो और भी पीछे पीछे बहुत हैं, बट वहाँ का व्यू अलग है, देखो हाउस बोट तो बहुत है बट पीछे हो जाता है फिर व्यू नहीं आता, यहाँ से आपको फ्रंट व्यू मिलेगा पूरा। और सबसे बड़ी बात है जो सामने गेट है, 9 नंबर गेट है, इसके एकदम सामने है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नंबर दे दूंगा, जरूर कांटेक्ट करना अगर आप यहाँ आ रहे हो श्रीनगर तो डल लेक के लिए। सो अभी फ्लाई कर रहे हैं ड्रोन, अभी हम हैं डल लेक के बोट हाउस के ऊपर, तो यहाँ से थोड़ा सा ड्रोन फ्लाई करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं भेजेंगे यार, थोड़ा सा आज रिस्ट्रिक्टेड भी हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ऊपर फ्लाई करेंगे, थोड़ा सा डल लेक दिखाएंगे आपको, मैंने भी देखा ऊपर से, तो आपको भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे।
moments later. So अब हाउस बोट से हम वापस आगे पार्किंग में रोड पे, रोड से अब जा रहे हैं भाई अपनी गाड़ी लेने थार, पार्किंग में खड़ी करी है क्योंकि यहाँ पर जो हाउस बोट है उसकी पार्किंग आपको यहाँ प्राइवेट पार्किंग में लगानी पड़ती है गाड़ी, तो वहीं जा रहे हैं अपनी थार लेके आते हैं, सामान डालते हैं लाल चौक, लाल चौक से फिर गुलमर्ग। बाकी यहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, इसका मतलब ऊपर स्नोफॉल 101% हो रही है। चलो वो देख के पता चलेगा कितनी हो रही है क्या है। बाकी कल जैसे ही स्नोफॉल तो हमने मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी स्नोफॉल होती है, हो सकती है भाई। 24 घंटे स्नोफॉल, करीब 2-2 फीट बर्फ मेरे गाड़ी थार पे भी जमी हुई थी, जैसे आपको दिखाया। बाकी अगर दिखाता हूँ अभी जमी हुई है कि खाली मेल्ट हो गई वो दिखाता हूँ आपको। देखो दोस्तों पार्किंग में अभी थार लेने आए और सुनो अभी तक है इसके ऊपर बर्फ, अभी तक है इसके ऊपर। सोचो कितनी बर्फ थी इसके ऊपर जो यहाँ पूरी मेल्ट भी नहीं हुई, अभी भी कितनी है देखो, करीब करीब अभी भी 1 फीट बर्फ है इसके ऊपर और यहाँ आगे भी जमी हुई है, देख रहे हो भाई साहब। पानी टपक रहा, टप 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 टप, पानी नीचे पिघल रही है, मेल्ट हो रही है बर्फ वो पिघल रही है। चलो अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं अपनी थार को और चलते हैं वहाँ। सो वी स्टार्ट अपनी थार, चलो। ठंड काफ़ी हो रही है भाई, वहाँ के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा है पहलगाम के। सामने अभी मैप पे डाला है यहाँ से लाल चौक, तो लाल चौक तुम्हारा 10 मिनट यहाँ से 2.6 किलोमीटर है, तो पहले लाल चौक जा रहे हैं, लाल चौक देखते हैं, उसके बाद फिर वहाँ से निकल जाएंगे हम गुलमर्ग के लिए, ठीक है। चलो गाड़ी यहाँ से यू टर्न लेनी है अभी हम है सो दोस्तों अभी हम हैं लाल चौक में और लाल चौक पे अभी हम पहुँचे हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो ये अपनी तरफ थार खड़ी है, क्या बढ़िया लग रहा है। लाल चौक पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है चौक, है ना। ऊपर की नहीं दिख रही है। सो दोस्तों अभी आप पीछे मेरे देख रहे हो लाल चौक, अभी हम लाल चौक पे हैं और हमने यहाँ पे काफी सारी फोटो और रील बनाई है, तो प्लीज यार काफी अभी अभी हमें यहाँ पे सीनियर मिले थे CRPF के, तो उनसे काफी देर तक हमें बात हुई, काफी अच्छा उन्होंने बताया और कश्मीर के बारे में बताया कि आप अभी गुलमर्ग यहाँ सोनमर्ग में श्रीनगर घूम रहे हो, थोड़ा जो अनएक्सप्लोर जगह है और भी उस साइड थोड़ा उनको भी एक्सप्लोर करो। अभी आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो यूट्यूब पे, आप अपने पूरे कश्मीर को दिखा रहे हो, तो ऐसे सारी बातें भी बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो ऐसे ही एक्चुअली वो थे गुवाहाटी से, तो उन्होंने अपना नंबर शेयर किया मेरे साथ, तो कह रहे हैं कि जब भी आप असम साइड या गुवाहाटी साइड आते हो तो मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करना, बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब मज़ा आ गया। चल दोस्तों अब यहाँ से निकल रहे हैं लाल चौक से गुलमर्ग के लिए, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस डालते हैं अपना गुलमर्ग का, देखते कितना टाइम लगता है। बाकी आज तो पूरा मार्केट यहाँ की क्लोज है, सब कुछ बंद है, देखो पूरी मार्केट यहाँ पर अभी सारी पूरी मार्केट बंद है यहाँ पे। सो आज हमारा ब्रेकफास्ट है लाल चौक पे, लाल चौक पे छोले भटूरे, तो ये अपने छोले भटूरे आ गए लाल चौक से, ठीक है। खा के देखते हैं कैसे हैं गर्मा गर्म। तो दोस्तों थर्ड टाइम हम पेट्रोल फिल करवा रहे हैं, टॉप अप तो नहीं, फुल 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 कर दो, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। कितना है प्राइस है यहाँ पे? 74 रुपये। कितना? 101 रुपये। 74 रुपये। चलो कोई बात नहीं भाई, महंगा है तो क्या है, डलवाना तो पड़ेगा ही अब। तो देखते हैं कितना लीटर टैंक में फुल आता है अपने टैंक में। तो थर्ड टाइम फुल करवा रहे हैं हम, फर्स्ट करवाया था हमने दिल्ली से, सेकंड करवाया हमने पटनीटॉप के पहले, नहीं कहाँ था वो, उधमपुर के नहीं, लखनपुर के पास। अब थर्ड टाइम हम श्रीनगर में। सो अभी अपनी टैंक में आया है भाई, थार की टैंक में आया है 46.97, इसमें ऑलमोस्ट 47.47 लीटर पेट्रोल। और एवरेज कम क्यों दे रही पता है, इतने हमने 5 किलो कितनी किलो तो बर्फ़ रखी है अपने टैंक के ऊपर, ये देखो थार के ऊपर बर्फ़, इसको लेके घूम रहे हैं हम। चलो बैठो निकलते हैं यहाँ से अब। सो और एक मैट भी साफ़ करने पड़ेंगे, देख लो पानी कितना हो गया मैट गाड़ी के अंदर, कल पूरी सुनो कि अंदर आई है ना उससे पानी भर गया, इधर मेरी तरफ भी है उधर भी है। दोस्तों पहुंचे हम कहाँ, सोनमर्ग कह रहा हूँ, गुलमर्ग पहुंच गए। तो भाई लोग कुछ बहुत सारे लोकल्स मिल रहे हैं कि भैया रुक जाओ, स्नो चैन लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। मैंने कहा भाई हमें नहीं है जरूरत, हम भाई 4 हाई लगा के निकल जाएंगे आगे, नहीं है पीछे जगह है, जाओ इधर काट के। बहुत ही भीड़ है यहाँ तो भाई, ऐसा लग रहा है दुनिया यहीं आई हुई है कश्मीर के गुलमर्ग में।
मुझे वो अच्छा लगा था पहलगाम, खाली खाली बुढ़िया है ना। चश्मा भी लगा लेता हूँ, चश्मा भी बेच रहे हैं ना, चश्मा भी ले लो।